हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 पेज नंबर 139। आप अपनी एनसीईआरटी बुक का खोल लीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल 1। इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है तीन, इसमें ये दिया हुआ है जैसे 7xy + 5yz + 3zx और इधर दिया हुआ है 4yz + 9zx + 4y और ये दिया हुआ है। इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके इसको उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने उतार लिया है और फिर हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर आए सेकंड इसको लिखने के लिए, हम एक के बाद जैसे हम पुरानी क्लासेज में करते थे, सबसे पहले हमने ऊपर लिखा, फिर उसके नीचे दूसरी चीज को ऐड करा, फिर तीसरी चीज को ऐड करा। इसी तरीके से हम एलजेब्रा में भी इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको लिख लिया है, फिर हमने इसको लिख लिया है, फिर हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है 4yz, तो हम यहाँ पे देखेंगे yz कहाँ लिखा है। yz यहाँ पे लिखा है तो इसी के नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा है 9zx, तो zx कहाँ पे लिखा है, इसी के नीचे मैंने लिख दिया है यहाँ पर ये फिगर को। और 4y ऊपर की इसमें कहीं पर भी नहीं है तो इसको मैंने अलग लिखा है। आते हैं हम अब थर्ड पे, इस पे इसको कहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है -3xz, तो 3xz हो या 3zx हो बात एक ही है। तो मैं देखता हूँ 3zx कहाँ लिखा है इसमें, यहाँ पर देखिए ये लिखा है। मतलब एडिशन करते वक्त हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये वेरिएबल पार्ट है ये सबका सेम होना चाहिए। ये देखिए जो वेरिएबल पार्ट है तीनों एक से हैं, उनको लिख लिया है। यहाँ पर देखिए yz है तो इनको ऊपर नीचे करके लिख लिया है, और यहाँ पर देखिए xy है तो इसको ऊपर नीचे करके लिख लिया है। और जहां पर हमें कुछ भी नहीं दिखता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5x लिखा है, तो इन दोनों में ऊपर नीचे 5x या x कहीं पर नहीं है तो उसको मैंने अलग से लिख लिया है। इसको मैं अलग से लिख लिया है। और देखिए यहाँ पे लिखा है -2xy यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2xy को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सिंपल तरीके से इसको मैं ऐड कर लूंगा, जैसे हम लोग सिंपल प्लस माइनस करते हैं उसी तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको मैंने क्या करा है, यहां पर 7xy -2xy, तो इसमें क्या है देखिए ये दोनों चीजें तो आपके वेरिएबल हो गए, वेरिएबल को तो ऐसे ही उतार दीजिए। और यहाँ पर 7 - 2 = 5 होता है, ये मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल एक से वेरिएबल हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया है, और 5 + 4 = 9 लिख दिया है। सिंपल मैथमेटिकल एडिशन है। ऐसी ये तीनों वेरिएबल हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब zx, पूरा इसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, वेरिएबल वैसे ही अलग अलग होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये तीन एक सी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए -3 - 3 - 6 होता है, और 9 में से -6 हटाते हैं तो 3 आ जाता है। इधर देखिए -4y हो गया है और ये 5x हो गया है। तो ये आपका पहला एग्जांपल सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में मैंने सिंपल ये बताया है कि जो भी हमारे ये वाले पार्ट होते हैं जैसे, तो इनको सिमिलर को लिखना है एक दूसरे के नीचे, और जो अलग होता है, मान लीजिए अगर हमारे को यहाँ पे -4y है, ऊपर कहीं पर भी -4y नहीं है, तो उसको आप अलग लिख लो। मींस सेम चीजें एक से उतारनी है या उतार दी है। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखिए सेकंड एग्जांपल वही पेज नंबर 139 पे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसको इसमें से घटाना है। मींस सबसे पहले जिसमें से फ्रॉम, तो उसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए मैंने इसको पूरे को मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। अब जैसा हमने एडिशन में करा था कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे ही वाई स्क्वायर आएगा, और वाई के नीचे ही वाई आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि पहले सबसे पहले जिसमें से घटाना था, जिसमें से लेस करना था, उसे हमने ऊपर लिख लिया है, और इसको हम नीचे लिखेंगे तो हमने 5x² को यहाँ लिखा है। देखेंगे वाई स्क्वायर कहाँ है, हम ढूंढेंगे। हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर हमारे को यहाँ पर मिला है तो इसी के नीचे हम वाई स्क्वायर लिखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये वाई वाली टर्म कहाँ लिखी है,
देखेंगे y वाली टर्म हमें कोने में मिली तो हमने उसी के नीचे लिख लिया है, और माइनस थ्री हमें कहीं पे कहां पर है कांस्टेंट, तो मैंने माइनस थ्री यहां पर लिख लिया है, यहां पर माइनस थ्री है क्योंकि इस बोर्ड में ये कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं, ये इधर चला गया इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, अब देख सकते हैं आप, माइनस थ्री मैंने यहाँ पर कोने में लिख दिया है। अब आता है कि सब्सट्रैक्शन, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे एक माइनस का साइन बना करके उसे ब्रैकेट में डाल देंगे। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होता है कि जो भी हमारे ये नीचे के टर्म्स हैं, ये देखिए ये जो नीचे का पार्ट है हमारा पूरा पार्ट, ये देखिए आप देख पा रहे हैं जो नीचे का पार्ट है इसका साइन बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस फाइव एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस फोर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे छोटा सा प्लस लिख देंगे इसके नीचे, क्योंकि ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये सबके साइन को चेंज कर देगा। इसके साइन को इधर कन्वर्ट कर दिया, इसके साइन को कन्वर्ट कर दिया, इसके साइन को कन्वर्ट कर दिया, इसके साइन को कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल जैसे हमने एडिशन करा था उसी तरीके से हम इसमें कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इधर से चलते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाता है, फोर एक्स वाई के नीचे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल पार्ट को तो हम ऐसे ही लिख दीजिए, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिख दिया, एट प्लस फोर ट्वेल्व होता है ट्वेल्व आ गया, फाइव एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो फाइव एक्स आ गया। ये देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये वाई तो वाई इधर आ गया, सिक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स, ये क्योंकि माइनस बन गया है, ये देखिए माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन होता है प्लस थ्री। सिंपल एडिशन है, एक बार आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, आप बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर वन आ गया है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1। आप अपनी, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसके साथ में मेरे साथ अगर आप सॉल्व करके करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी गई है। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि जो भी ये दिया गया है पार्ट क्वेश्चन का, इसमें हमें फाइंड करना है कि उसका टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो हम यहाँ पे ऐसे आंसर लिखेंगे, फिर एक टेबल टाइप बना लेंगे, उसमें लिखेंगे टर्म्स और यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट्स। तो टर्म्स में हमने इसमें क्या देखते हैं, ये जो पूरा है एज इट इज उतार दीजिए और वो टर्म हो गई हमारी, ये देखिए ये टर्म आ गई। ऐसे ये माइनस थ्री जेड वाई है, ये पूरी टर्म है, जो लिखा है एज इट इज उतार दो वो टर्म हो गया। और जो ये हमारा वेरिएबल पार्ट है, देखिए ये इसके आगे जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया इसका। ऐसे इसमें देखिए माइनस थ्री जेड वाई में, माइनस थ्री जेड वाई में हमारा जो ये वेरिएबल का पार्ट है तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया इसका, हो गया माइनस थ्री। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें हमारे को फिर से वही लिखना है कि फाइंड, क्वेश्चन है कि इसमें से क्या टर्म है और क्या कोफिशिएंट है वो फाइंड करिए। तो पहला जो टर्म है वो हमने ऐसे एज इट इज उतार दिया है, ये इसी का यही कोफिशिएंट हो गया वन। यहाँ देखिए ये एक्स है, उतार दिया है टर्म सारी, एक एज इट इज उतार दीजिए वो टर्म हो जाती हैं, इसका जो कोफिशिएंट है वो वन हो गया है, और ऐसे ही जो इसका कोफिशिएंट है वो भी वन हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये थर्ड पार्ट है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एज इट इज सेम क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इसमें भी हमने यही किया है कि एक टेबल बनाई है, टर्म कोफिशिएंट लिख दिए हैं, टर्म में एज इट इज उतारिए, देख लीजिए यहाँ मैंने उतार दिया है, इन तीनों का एज इट इज उतार दिया है, यहाँ पर यहीं पे लिख दिया है ये टर्म हो गए हैं। और जो ये हमारा वेरिएबल टाइप का पार्ट है इसका जो कॉन्स्टेंट है ये, इसको कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही मैंने इसमें माइनस फोर को कोफिशिएंट लिख दिया है, ये माइनस फोर इसका कोफिशिएंट हो गया है, और z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो वन हो गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। अब देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने यही करा है कि
कि पहले मैंने हमने टर्म्स को सबको एज इट इज उतार लिया, ये सब हमारी टर्म्स हैं, देखिए यहाँ पे उतार लिया है। तो अब इनके जो है कॉन्स्टेंट जो पार्ट है कोफिशियंट बोलेंगे उसको लिखेंगे, ये देखिए 3 आ गया है, इसमें माइनस 1 आ गया है, 1 आ गया है और माइनस 1 आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फिफ्थ पार्ट आया हमारा एक्स बाई टू वाई बाई टू, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन बुक्स के ही हैं, इसी तरीके से सारा ये इधर लिख दिया है देखिए इजीली। और जो उसका कांस्टेंट टर्म है, जैसे इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या कांस्टेंट टर्म है, 1/2 है, मैंने वहाँ लिख दिया है, ऐसे इसमें भी 1/2 है और उसमें माइनस 1 है। आगे बढ़ते हैं सिक्स पार्ट में, ये देखिए एज इट इज टर्म उतार दीजिए, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और जो कांस्टेंट है वो भी मैंने इसको उतार दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे दिए हुए हैं और उसमें ये लिखा है कि आपको फाइंड करना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और पॉलीनोमियल कौन सा है। तो अब आप सोचेंगे मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें केवल ये एक ही टर्म होती हैं उनको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए एक ये हो गया, बीच में ये और वो दो होने चाहिए, मींस एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और दो, बाइनोमियल का मतलब 2। तो यहाँ पर देखिए ये बाइनोमियल हो गया है यहाँ पर। और ट्रिनोमियल में क्या है कि जहां पर 3 हो, ये देखिए इनमें सब में 3 है तो ये ट्राइनोमियल हो गया है, और जो बाकी बचे हैं वो सब पॉलीनोमियल्स हैं, ये देखिए सब पॉलीनोमियल्स हो गए हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इसमें हमें इन तीनों को ऐड करना है, 1, 2 और 3, इसमें हमें एडिशन करके दिखाना है इन तीनों का। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं? तो सबसे पहले हम इधर वाली चीज को हम उतारेंगे आंसर में, हमने लिख दिया है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो ये चीज है ये कहाँ लिखी है, ये इसके सेम चीज होनी चाहिए, मींस सेम चीज हमने इसको यहाँ लिख दिया है। अब इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ हम ऊपर चेक करते हैं तो सी ए कहीं नहीं लिखा है, सी ए कहीं नहीं लिखा है, तो हम इसको अलग लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं ये जो हमारा 3 वाला है इसको लिखना है, इसमें सी ए लिखा है, कहाँ पे लिखा है सी ए, वहाँ लिखा है जिसके नीचे उसी के नीचे लिख दो, यहाँ लिख दिया है। ए भी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, लिख दो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऐड करना है, तो ये बड़ा सा ऐड का साइन बना दो, उसके बाद में एक लाइन खींच दो और एडिशन कर दो इन दोनों का। अब इसको और इसको करेंगे तो देखिए कट गया, 0 आ गया, यहाँ देखिए कट गया, 0 आ गया, यहाँ देखिए कट गया, 0 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सेकंड पार्ट में कहा गया है ये इन तीनों को ऐड करना है, बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ है, इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले को उतार लिया है, देखिए अब ये सेकंड वाले में देखिए बी कहाँ लिखा है, जो बी को ढूंढो, इस बी को देखो कहाँ लिखना है, तो यहाँ लिखना है, मैंने लिख दिया है। सी को कहाँ लिखना है, भाई ऊपर वाले में सी कहीं नहीं दिख रहा तो अलग से लिख दो, अलग से लिख दिया। बी सी कहाँ लिखा है, तो नहीं दिख रहा है ऊपर, तो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, अब मैं देखता हूँ ये सी कहाँ लिखना है, सी को सी के नीचे लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे माइनस ए को कहाँ लिखना है, माइनस ए के नीचे। ए सी को कहाँ लिखना है, कहीं लिख नहीं रहा है मुझे, तो ए सी को मैंने अलग से लिख दिया है। अब इन सबको देखिए ऐड कर दीजिए, 0 0, ए बी नीचे आ गया 0, ये बी सी प्लस ए सी, सिंपल मैंने इनको वापस से उतार दिया है, ए बी बी सी और ए सी, आंसर आ गया है मेरा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही आसान है बिल्कुल। इन इसमें इन तीनों टर्म को, इनको टर्म नहीं मतलब इन तीनों को ऐड करना है,
सबसे पहले इसको उतार दो, लिख दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में वैसे ही करना है कि 5 कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, 7PQ आया ढूंढते हैं 7PQ, उसको उसके नीचे लिख दिया, 3PQ स्क्वायर इसके नीचे लिख दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को फिर ऐड करना है, जब ऐड करने के लिए लिखा है तो बड़ा सा ऐड का साइन बना दो, उसके बाद में सिंपली एडिशन कर दो, 5 और 9 हो गया। ये देखिए पहले सबसे पहले वेरिएबल उतार दो, मैंने उतार दिया है यहाँ पर, आप देख लो इसको सिंपल। ये देखिए 4 यहाँ पे वेरिएबल को पहले उतार दो, ये उतार दिया है, ये आ गया आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब थर्ड फोर्थ पार्ट में पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़ सकते हैं बुक में भी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसे करेंगे। सिमिलर सिमिलर को उतारना है, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर ऊपर वाले में एन स्क्वायर नहीं था तो अलग से लिख दिया एन स्क्वायर, इसमें एल स्क्वायर है इसको अलग से लिख दिया, इसमें नहीं था ऐसे लिख दिया। सबको एडिशन कर दो, देख लो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m2। पहले वेरिएबल उतार दो, +1 +1 2 हो जाता है, यहाँ वेरिएबल करके ये देख लीजिए सब हो गया सिंपल। अब यहाँ देखते हैं सब में 2 लिखा हुआ है, यहाँ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होता है 2l2, लिख दिया 2l2 लिख दिया। अब 2 को ब्रैकेट में बाहर निकाल तो फाइनल आंसर आ गया है। अब इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट में उसी तरीके से करना है, सिंपल आप देख लीजिए समझ सकते हैं सब्सट्रैक्ट का। क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखता तो बड़ा सा माइनस लिख दो, लिख दिया, जब भी ये बड़ा सा माइनस आएगा ये सबके साइन चेंज कर देगा। इसी तरीके से अपने आप कॉपी में लिखिए, माइनस ये साइन चेंज हो के प्लस, ये प्लस साइन हो के माइनस और ये माइनस। अब इसको सिंपल आपको करना है कि भाई ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल लिख दो और फिर इसको कर दो यहाँ पे ऐड। और ये देखो ये लिखा हुआ है ए बी, तो ये वेरिएबल उतार दो, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद बी लिखा हुआ वेरिएबल बी लिख दो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, देख लीजिए फाइनल आंसर, क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, फोर्थ का बी पार्ट। ये भी इसी तरीके से करा है, फिर पहले वेरिएबल है, वेरिएबल को लिख दो पहले, ऐसे ही वाई जेड है तो वाई जेड लिख दो यहाँ पर, जेड एक्स है जेड एक्स लिख दो, एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड लिख दो। क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये, तो बड़ा सा माइनस लिखा, अभी जो बड़ा सा माइनस है ये सबके साइन चेंज कर देगा, इसका प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया। और सिंपल 5 में से 3 गया 2 बचता है, -2 -5 -7 होता है, -2 -7 ही है यहाँ पे, ये कोई प्लस बन गया है, -2 +7 5 होता है। सिंपल हमारा आंसर आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए आराम से, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में भी हमने इसी तरीके से करा है कि जो ये टर्म लाइक टर्म्स हैं, मतलब वेरिएबल वाले सेम, जैसे क्यू है क्यू के नीचे, पी क्यू के नीचे, PQ² सेम के नीचे लिख लिया है। अब सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो बड़ा सा माइनस लगा दो, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस है सबके साइन चेंज कर देगा, देखो माइनस को प्लस में बना दिया, माइनस को प्लस में बना दिया, ये देखिए साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज। ये करने के बाद में 18 - 10 ये आ गया। पहले वेरिएबल उतार लो, उतार लिया, उसके बाद में 8 - 3 5 क्यू है, वेरिएबल उतार लिया, ये देखिए इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है, देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए।